हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेहरे पर होने वाली बीमारी के बारे में, जिसको हम हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं एक्ने और आम भाषा में बोलते हैं मुहासे, जो हमारे चेहरे को ख़राब करते हैं। दोस्तों मुहासे यानी कि एक्ने हमारे चेहरे को ही नहीं ख़राब करते, परंतु हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी पर्सनैलिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। खासकर हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे जो युवा हैं, यंग बच्चे हैं, उनके चेहरे पर मुहासे एक्ने होने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो जाता है, वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम देखते हैं। और वो कई बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, कई कॉलेज जाना पसंद नहीं करते, कई तो अपने घर से भी बाहर निकलना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनका चेहरा उनको लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, आज हम इस बीमारी को, मुहासों के बारे में, एक्ने के बारे में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम एक्ने को कैसे आसानी से और अच्छे तरीके से और सेफली एकदम साफ सुथरे तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखती रहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक्ने के कारण क्या हैं। दोस्तों, एक्ने यानी मुहासे हमारे चेहरे पर होने के लिए पीछे तीन इंपॉर्टेंट कारण हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है डेड सेल्स। दोस्तों, हमारे चेहरे पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्किन पर, और उन पोर्स में से ऑयल निकलता है। हमारे स्किन के नीचे ग्लैंड होता है, सीबेसियस ग्लैंड, जिसमें से ऑयल निकलता है, जिसको हम बोलते हैं सीबम ऑयल। और दोस्तों, ये जो ऑयल हमारे चेहरे पर आता है, हमारे चेहरे की चमक नेचुरल ग्रो को रखता है, बनाकर रखता है। परंतु कई बार ये जो पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से ऑयल निकलता है, वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से उधर सूजन आ जाती है और वो मुहासा बन जाता है। एक छोटी गांठ सी, सूजन सी, पैप्यूल मैक्यूल, छोटी छोटी रसोलियाँ सी बन जाती हैं। तो कई प्रकार के मुहासे होते हैं, छोटे मुहासे, सिस्टिक यानी कि थोड़े से बड़े मुहासे, नोड्यूलर मुहासे, इस तरह से एक्ने हमारे चेहरे को ख़राब करते हैं, बनते हैं। इसके पीछे जो तीन कारण हैं वो हैं डेड सेल्स। जो हमारे चेहरे पर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको डेड सेल्स ब्लॉक कर लेते हैं। कई बार ऑयल, जो एक्सेस ऑयल बनता है, कई लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो ऑयल की वजह से भी ब्लॉक हो जाते हैं। और तीसरा है बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु। बैक्टीरिया, डेड सेल्स और ऑयल, इनसे जो छेद है छोटे छोटे, वो ब्लॉक हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर एक्ने बनते हैं। दोस्तों इस तरह एक्ने हमारे चेहरे पर बनते हैं। दोस्तों, अब आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। एक्ने जैसे कि दो तरीके से होते हैं, एक हम बोलते हैं माइल्ड एक्ने, एक बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर एक्ने। एक हल्के एक्ने जो बस शुरुआत ही हुआ है, और एक जो एक्ने बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं हमारे चेहरे पर, छोटी छोटी गांठें से बन गई, नोड्यूलर या सिस्टिक एक्ने बन गई। दोस्तों, पहले हम आपको बताएंगे माइल्ड एक्ने का ट्रीटमेंट। दोस्तों, सबसे पहले माइल्ड एक्ने यानी कि हल्के फुल्के मुहासे, उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। यानी कि आपके चेहरे पर छोटे छोटे मुहासे बस अभी बने ही हैं, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं हमारे चेहरे को वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए, धोने के लिए, हिमालय नीम फेस वॉश। दोस्तों, इस वॉश को आपको दिन में दो बार इस्तेमाल करना है, सुबह शाम। कैसे इस्तेमाल करना है? एक नॉर्मल वॉश के तरह सुबह शाम हल्के से गुनगुने पानी से चेहरे को धो लेना है। दोस्तों, ये आप दिन में दो बार करेंगे। इसके साथ चेहरे को धोने के लिए एक अच्छी सोप बताते हैं आपको, वो है एक्ने स्टार सोप। इसके अंदर दोस्तों बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की दवा होती है। दोस्तों, ये एक्ने स्टार सोप कोई आम सोप नहीं है, इसके अंदर है बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की दवा। ये आपके चेहरे पर बैक्टीरिया यानी कीटाणु, डेड सेल्स, एक्सेस ऑफ ऑयल, डर्ट, मिट्टी, जो भी पॉल्यूशन, धुआं, उससे जो चेहरा ख़राब होता है उसको साफ करने में मदद करता है। परंतु इसको थोड़ा इस्तेमाल करने में सावधानी होनी चाहिए, इसलिए हम एडवाइस करते हैं इसको रोज़ाना ना इस्तेमाल करके दो दिन से, तीन दिन से, चार दिन से एक बार इस्तेमाल करें। जब आपको लगे भैया आपके चेहरे पर सेट हो गया है, आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो उसको आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक्ने मुहासे से पीड़ित हैं। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा हिमालय नीम फेस वॉश, और उसके बाद में एक्ने स्टार सोप दो तीन दिन से एक बार। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रीम है, जेल है, जो हमें हमारे चेहरे पर लगाना है सुबह शाम, अब हम आपको नाम बताते हैं, वो है एक्ने स्टार जेल। या इसकी अगर ये आपको नहीं मिले तो आप लगा सकते हैं फेमसिनॉल ए जेल। दो ही नाम बता रहा हूँ मैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। एक तो है एक्ने स्टार और दूसरा है फेमसिनॉल।
दोस्तों ये दोनों में दवा एक ही है, इसके अंदर जो दवा है वो है क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड। दोस्तों क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो हमारे चेहरे पर एक्ने बैक्टीरिया के वजह से पैदा होता है, बैक्टीरिया को मारता है क्लिंडामाइसिन। और दूसरी जो दवा इसके अंदर है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड क्या करती है, हमारे चेहरे पर एक्सेस ऑफ जो ऑयल होता है, ऑयली स्किन होता है, ऑयली स्किन कम करता है, यानी जो एक्सेस ऑफ ऑयल बनता है चेहरे पर उसका प्रोडक्शन कम करता है, ऑयल कम बनेगा चेहरे पर। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी कि चेहरे पर कुछ हल्की फुल्की सूजन सी हो उसको भी कम करता है। तो दोस्तों आपके माइल्ड एक्ने के लिए यानी हल्के फुल्के मुहासों के लिए ये चार चीज़ें काफ़ी है। एक है हिमालय फेस वॉश जो आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है, फिर एक्ने स्टार सोप जो तीन चार दिन से एक बार करना है, फिर अगर आपको सेट हो जाए आपके चेहरे पर तो आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर दो जेल आपको बताया हमने, एक एक्ने स्टार जेल या फेमसिनॉल ए जेल, ये इससे आपके माइल्ड एक्ने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप है डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या परहेज करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए वो हम आपको बताएंगे। एक चीज़ आपको इस ध्यान रखनी ज़रूरी है दोस्तों कि एक्ने स्टार जेल एक्ने स्टार सोप ये इसका असर दिखने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, मानो 1.5 से 2 महीने। इसलिए आप ट्रीटमेंट एकदम बंद मत कीजिए, आपको ऐसा लगे 10 दिन में 15 दिन में कि आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रीटमेंट बंद नहीं करना, क्योंकि इसका असर दिखने में चेहरे के जो मुहासे हैं उनको ख़त्म करने में कम से कम 4 से 6 वीक्स लगते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट पूरा कोर्स कीजिए। दूसरी बात, जब आपको लगे कि भाई आपके मुहासे एक्ने ठीक हो गए हैं सुबह शाम जेल लगाने से, चेहरा एकदम साफ हो गया है, तो अचानक से जेल ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना है। इस जेल को रोज़ाना सुबह शाम न लगाकर आप एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज लगा सकते हैं, जैसे आपने मंडे को रात को लगा लिया तो ट्यूसडे न लगा के फिर वेनसडे लगाओ, एक दिन छोड़कर। अचानक बंद करने से आपके एक्ने मुहासे वापस फ्लेयर अप हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। यू हैव टू मेंटेन द ट्रीटमेंट अल्टरनेट डेज, और अल्टरनेट डेज इस्तेमाल करना, एकदम से ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। और जो भी हमें आपको दवाई बताई है वो आपके डॉक्टर फैमिली फिजिशियन या स्किन स्पेशलिस्ट है उनसे मिलकर उनकी सलाह लेकर आप ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे और 100% आपके माइल्ड एक्ने हल्के फुल्के मुहासे दोस्तों ठीक हो जाएंगे। दोस्तों हमने आपको पहले बताया माइल्ड एक्ने यानी हल्के फुल्के मुहासों का ट्रीटमेंट बताया, अब हम आपको बताएंगे मॉडरेट टू सीवियर यानी ज़्यादा गंभीर एक्ने का ट्रीटमेंट, जिनको हम चेहरे पर हमारे नोड्स बन जाते हैं, नोड्यूलर या सिस्ट बन जाते हैं, नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने ही बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। दोस्तों इसमें एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे पहले जेल इस्तेमाल होता है इसमें वो है बेंज ADP जेल। दोस्तों इस तरह से दिखता है बेंज ADP जेल। दोस्तों बेंज ADP जेल में बेंजोइल पेरोक्साइड एक दवा है और एक एडापेलिन। दोस्तों इन दोनों दवाओं का हमारे चेहरे पर पीलिंग इफेक्ट होता है, पील यानी कि छीलना, हमारे चेहरे को छीलता है, स्किन को छीलता है, स्किन को पीलिंग इफेक्ट करके हमारे चेहरे पर जो भी छोटे छोटे कोमेडोन्स हैं यानी कि जो भी नए नए मुहासे हैं, जो बैक्टीरिया है, एक्स्ट्रा ऑयल है, उनको पीलिंग इफेक्ट यानी कि छीलकर हमारे चेहरे को साफ करता है, बहुत जल्दी ठीक करता है। दोस्तों इफेक्ट भी बहुत अच्छा दिखता है, चेहरा भी बहुत जल्दी साफ हो जाता है, पर कुछ सावधानियाँ हैं, क्योंकि ये पीलिंग इफेक्ट करता है इसलिए हमारे स्किन को सेंसिटिव बना देता है, नाजुक बना देता है, कई बार चेहरे पर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, लाल पना आ जाता है, रेडनेस आ जाता है, ईचिंग होने लग जाती है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, इसलिए कुछ सावधानियाँ इस्तेमाल ध्यान रखनी ज़रूरी है इस ट्यूब को इस जेल को इस्तेमाल करने में। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों इस क्रीम को जेल को हम रात को लगाएंगे, नाइट एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब दिन में बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे स्किन को सेंसिटिव बना देता है, तो हमको सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, धूप में निकलना या तो अवॉइड करना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, सुबह जाने के समय सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, नाइट एप्लीकेशन कीजिए, रात को लगा के 10 मिनट 5 मिनट रखो और फिर तुरंत चेहरे को साफ पानी से धो लेना है, फिर जो भी मॉइस्चराइज़र आपके चेहरे को सेट हुए उसका इस्तेमाल कर लो, तो रात्रि इस्तेमाल करना है और रोज़ाना नहीं करना, शुरुआत में 3-4 दिन से एक बार, जैसे जैसे फिर सेट हुए फिर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शुरुआत में आफ्टर 3-4 डेज, 3-4 दिन निकल गए फिर आपने हल्का बेंज ADP जेल लगाया, वापस 3-4 दिन बीच में छोड़ दीजिए फिर वापस लगाना है, तो रोज़ाना नहीं लगाना है, 3-4 दिन से लगाना है, नाइट एप्लीकेशन करना है, बाहर सुबह धूप में निकले तो सनस्क्रीन लगाना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों
हम एक्ने को ठीक करने के लिए अभी लोकल एंटीबायोटिक लगा रहे थे, यानी एंटीबायोटिक जैसे क्लिंडामाइसिन है हम चेहरे पर लगा रहे थे, बेंजोइल पेरोक्साइड है वो चेहरे पर लगा रहे थे जो चेहरे पर जो बैक्टीरिया उनको मार रही है। पर कई बार जब एक्ने मुहासे ज़्यादा होते हैं तो हमको ओरल एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक में दो तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं डॉक्टर्स, वो है एक है डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन। जो भी टैबलेट आपको सेट होगी डॉक्टर वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी उम्र छोटी है 8-10 साल है, 10 साल से नीचे है, तो डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपकी उम्र 10-12-13 साल है तो डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरह के एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स होती है, एक तो होता है ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल और दूसरा होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। इन दोनों में से कोई भी डॉक्टर्स आपको जो सेट होगा वो टैबलेट देंगे ओरल एंटीबायोटिक्स। ये आपको लेनी पड़ सकती है 15 दिन, महीना, 2 महीना, और डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो एक एक्ने ठीक करने के लिए ये है ओरल एंटीबायोटिक्स। और जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है दोस्तों वो है आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल, आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल। दोस्तों आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ अब हम आपको देंगे। दोस्तों एक सबसे पावरफुल हथियार हमारे एक्ने, जो नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा मुहासे हैं, छोटी छोटी गांठें चेहरे में बन गई, तो एक पावरफुल मेडिसिन है, इसका नाम है आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल, आइसोट्रेटिनोइन। दोस्तों ये एक पावरफुल मेडिसिन है और आपको ये सिर्फ डॉक्टर्स के सलाह पर ही लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस कैप्सूल का, आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ आपके सीवियर एक्ने हो, बहुत ज़्यादा नोड्यूल सिस्टिक एक्ने हो तो ही इस्तेमाल करता है, हल्के फुल्के मुहासों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये, दूसरी बात ये कि इसका असर दिखने में सेवरल वीक्स लग जाते हैं, यानी काफ़ी कई हफ्ते लग जाते हैं, कम से कम 5 से 6 हफ्ते, 1-2-4-5 दिन में इसका असर नहीं दिखता। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस कैप्सूल को आपको कंप्लीट स्वेलो करना पड़ता है फूड के साथ, आफ्टर फूड। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कैप्सूल भी आपके स्किन को सेंसिटिव बनाता है, तो आप इस जब कैप्सूल को लेंगे तो आपको आपके स्किन का ध्यान रखना है और एक्सपोजर, ज़्यादा एक्सपोजर सनलाइट से बचा कर रखना है, बच के रहना है। दोस्तों ये काम कैसे करता है, ये हमारे जो शरीर के अंदर ऑयल बनाने वाला ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड स्किन के नीचे, तो जो ऑयल बनता है एक्सेस ऑफ सीबम प्रोडक्शन उसको कम करता है, हमारे स्किन को ऑयली नहीं रहने देता। जो एक्सेस ऑफ सीबम यानी ऑयल हमारे पोर्स को बंद करके एक्ने बनाने में मदद करता है उसको कम करता है, तो ऑयल प्रोडक्शन कम करता है। दोस्तों इस तरह से ये आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल काम करता है। दोस्तों आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल हमारे जो चेहरे पर ऑयल प्रोडक्शन है वो कम करता है, चेहरे पर जो बैक्टीरिया है उनको मारता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो सूजन वगैरह उसको भी कम करता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है, पर ये पावरफुल मेडिसिन है तो सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही आपको लेना है। दूसरी बात, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे स्किन को ये ड्राई बना सकता है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, और हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है, लीवर एंजाइम्स बढ़ा सकता है, तो अगर कोई लीवर संबंधी बीमारी है तो इस कैप्सूल को आपको सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों हमने आपको माइल्ड एक्ने और मॉडरेट टू सीवियर एक्ने, हल्के एक्ने और ज़्यादा गंभीर एक्ने का ट्रीटमेंट बताया, परंतु दोस्तों कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ परहेज हैं, वो कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे रोज़ाना हम एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमारा स्किन भी सही रहेगा। दोस्तों जो हमारे खाने पीने की चीज़ें, उसमें हमको वाइट ब्रेड है, एक्सेस ऑफ राइस है, ज़्यादा चावल है, सोडा है, केक्स है, ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा ऑयली फूड है, इनको अवॉइड करना है हमको, पीना ज़्यादा पानी ज़्यादा पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाना है, पर हमको अवॉइड करना है ज़्यादा मीठा, एक्सेस ऑफ ऑयल, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि मिल्क को भी अवॉइड करना बताया गया है, क्योंकि कई बार जो काउज प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके अंदर जो हार्मोन लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, उससे हमारा शरीर में हम जब वो मिल्क पीते हैं तो हमारा हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एक्ने बनने के चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए मिल्क को भी, एक्सेस ऑफ मिल्क यूज़ नहीं करना है, कुछ लोग सुबह शाम दूध ही पीते रहते हैं, तो एक्सेस ऑफ मिल्क को भी अवॉइड करना है, ये भी रिसर्च में पाया गया है। दोस्तों आज हमने आपको एक्ने यानी मुहासों का कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया है, कौन से जेल लगाने हैं, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, और कौन से परहेज करने हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखेंगे, जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो आपके फैमिली डॉक्टर, फिजिशियन या स्किन स्पेशलिस्ट के राय पर ही लेना है, सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा, इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस हम आपको लाकर और दे सकें। आपके कोई भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सुरक्षित रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र अब आपसे आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।